नमस्कार दगड़ियों, आपका मेरा चैनल यूके पहाड़ी ब्लॉग पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज दिखाते हैं उत्तराखंड की वो होली जो आपने कभी देखी नहीं है, जो खेली जाती है फूलों से, बड़े प्यार प्रेम से, सभी के साथ मिलकर। जब मैं उस होली को देखने गया और कैप्चर जब किया, मुझे ऐसा लगा कि ऐसी होली तो मैंने कभी देखी नहीं। सभी प्रकार की होली देखी, लेकिन इस प्रकार की होली देखकर दिल खुश हो गया। हमारे उत्तराखंड के सारे क्षेत्रवासी सब इसको अच्छी तरह से मना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम जैसे फूलों के देश में आ गए हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। तो आप बने रहे हमारे चैनल में और भी आपको हम वीडियो देते रहेंगे। तो यूके पहाड़ी ब्लॉग का सबका लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए होली के पार्ट टू पार्ट में आपको अपडेट करता रहूँगा। बहुत जल्द बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भी आती रहती है। तो चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में, आगे क्या क्या होता है देखते रहिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम पहुंच गए ऐसी जगह पर जहाँ गढ़वाल, हम गढ़वाल की वासी हैं, उत्तराखंड का रहते हैं, उत्तराखंड आज हम ऐसी जगह पर आए जहाँ देखने को वाले को आपको मिलेंगे होली का पर्व होने वाला है। आज हमारे लोग यहाँ पर होली का त्यौहार मनाने वाले अपने गीतों के माध्यम से, और अपने यार देखिए कहते हैं जब हम लोग सभी छत्तीस होते ना तो वहाँ के घर से होता है, और ऐसी होली हमारे उत्तराखंड में हमेशा होनी चाहिए। ये उत्तराखंड का पर्व आपके लिए बहुत सादर बहुत बेहतरीन, और चाहते हैं कि आप लोग जितने भी लोग क्षेत्रवासी हैं और यहाँ का मजा लें और इंजॉय लें। आज होने वाला है गढ़वाल होली, ये प्रोग्राम जो है गढ़वाली नीतिगढ़ सभा करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा जिस तरह से यहाँ का मोमेंट होने वाला, वहाँ पर हम पूरा कैप्चर किस प्रकार से होना है आप हमारे साथ बने रहे और दिखाते किस प्रकार क्या कर रहे हैं करते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए गढ़वाल भवन के अंदर, और यहाँ पे क्या क्या पकवान है वो यहाँ बन रहा है। बहुत शानदार पकवान है, जहाँ नाना प्रकार की टोपी से लेकर हर चीज़ यहाँ मिलने वाली है, जो हमारे उत्तराखंड की ट्रेडिशनल है, जिसे कहते हैं हमारी आन और बान है, जिसको पहनने के बाद लगता है कि हम उत्तराखंडी हैं यार। लेकिन देखिए हमारे जो इस टोपी को भी पहनने वाले जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो भी इस टोपी को पहनते हैं। वो काफ़ी आपने देखिए हमारे जो मोदी जी हैं ज़्यादातर ये टोपी पहनते हैं। तो यहाँ पर जो टोपी देखिए उनसे पहले मैं बात करता हूँ, कौन है सोचता हूँ आप ये टोपी इसलिए आपका शुभ क्या मैं हमारे बीच में सीमा एक जी है, और आज वो टोपी यहाँ सेल करिए। तो किस किस प्रकार की टोपी सेल करिए मुझे बताएंगे जरा, दिखाइए कौन कौन सी जरा हमें दिखा दीजिए कौन कौन सी हैं। तो ये आपने इस टोपी को किसके ऊपर ज़्यादा देखा है, किसके सर पर देखा है आपने? मोदी जी ने शुरुआत करी है ये टोपी का। अच्छा जी, अच्छा इसका कुछ बताएंगे क्योंकि कुछ दायित्व है क्या, क्या मतलब है ये जो चीज़ आपने बनाई है, कुछ इसका मतलब क्या जो अपना लगाई है? अच्छा केदारखंड में मिलता है ब्रह्म कमल है, जिसको कहते हैं हमारे देव स्थानों पर ये प्राप्त होता है, और देव यार हमारे पॉसिबल, हम तो उत्तराखंड के हैं तो पॉसिबल है देव। और इसकी कॉस्ट क्या आप कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं आप बताएंगे मुझे आप? इसकी है वैसे तो जैसे खुद लगाती हूँ तो 150 से शुरू है। अच्छा ये बता रही हैं 150 से स्टार्ट है ये? मैं खुद बनाती हूँ। क्या बात है भाई, हमारे उत्तराखंड को एक और व्यवसाय मिल चुका है, और इनके हाथ पे जो टोपी है ये खुद बनाती है। इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद, क्योंकि उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड की पहचान दिला, उत्तराखंड की हमारे को आन बान और शान हमारी टोपी से ही होती है कि नहीं। वो हमें देखे देखें कितनी सुंदर लग रही है। तो आप भी इनके स्टॉल से किस नाम से ये बताएंगे, जैसे आप मुझे परिचय करेंगे? उत्तराखंड, तो आप ले सकते हैं उत्तराखंड की बहुत बेहतरीन। किस नाम से आपने दोबारा आप बताइए? शोभना टोपली। तो शोभना टोपली बता रहे हैं ये उत्तराखंड की बहुत अच्छी दुकान है। अभी दुकान कहाँ पे कुछ बता सकते हैं मुझे, किस जगह पे स्थान पे ये? हम नजफगढ़ रहते हैं। अच्छा नजफगढ़ में आपका ये नजफगढ़ जय बिहार, हमारा जय बिहार के अंदर इनका है जहाँ ये टोपी की शान अपनी पहचान है। क्या समस्या है घर में ही? तो ये घर में ही बनाते हैं, और उत्तराखंड की टोपी आपको ये दे रहे हैं, और आप इनसे ले सकते हैं। बहुत रीजनेबल रेट है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। जो मोदी जी पहनते हैं वो टोपी आपको यहाँ बहुत सस्ते में देने वाले हैं। सोचो कि जो हमारे प्रधानमंत्री पहन रहे हैं वो आपको देने वाले हैं। थैंक यू आपको। और बताइए आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ क्या कार्यक्रम, उसके लिए बात बताएंगे जैसा मुझे? आज होली मिलन है यहाँ पर। तो मतलब होली में क्या क्या हमें कैसे क्या करते हैं, जो कि लोग हमसे देखें मतलब क्या क्या करते हैं होली मिलन में? वही होता है सारे इकट्ठे होंगे, मतलब उत्तराखंडी सारे इकट्ठे होंगे या फिर अदर भी सभी लोग? सारे लोग हमारे इकट्ठे होंगे, अपने भाईचारा मिलाएंगे, अपना प्रेम भाव बढ़ाएंगे, और मतलब होली का मतलब होता है रंगों का खेल खेलना, है ना? रंग जिस तरह से रंग कहते हैं जीवन में रंग कर देते ना, वो हमारे जीवन में वैसे रंग होना चाहिए ताकि, और हमारे जितने मित्रगण हैं, जितने भी दोस्त मित्र हैं, और यहाँ आकर आज उसका लुत्फ उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच आपका। हम रंगीन टोपी बनाए हैं, सभी रंगीन टोपी पहने, सारे रंगों में उपलब्ध है। क्या बात है, रंगीन टोपी इसलिए दी जाती है कि रंगों में रंग जाओ, और काफ़ी बहुत अच्छी है। और हमारे बीच में एक हमारे बहुत बड़े शख्स हैं यहाँ पर, कैसे हैं सर आप बताइए आज हमारे बीच में, कैसा लगा यहाँ पर आपको? कहते हैं कि जहाँ आप हैं वहाँ, तो कैसा भी लग रहा है यहाँ का प्रोग्राम कैसा हो रहा है? बहुत सुंदर है। तो गढ़वा ऐतिहासिक सभा ने अपने, क्या होता है कि हमारे उत्तराखंड में जो है ना, तो यहाँ पे गढ़वा ऐतिहासिक सभा ने क्या है कि उत्तराखंड की जितनी भी सांस्कृतिक हैं या वहाँ की जो धरोहर है, वहाँ की जो मतलब संस्कार है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा हमारा एक मतलब
एक प्रयास एक तरीके से। तो ये लोग तो करते हैं, हम तो हर जगह रहती हैं, आप भी रहते हैं हम भी रहते हैं, तो ये उत्तराखंड की होली के ऊपर जो है ये इनका होली मनाने वैसे आज बहुत जगह भी है। अच्छा। हमें और भी जाना था, फिर मैंने कहा यही है, मैंने आज को तो कल भी है प्रोग्राम, परसों भी दूर कई जो प्रोग्राम होते थे तो वो जो है तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप तो हर जगह मतलब पहुँचते हैं अपने उत्तराखंड। थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद। तो हमारे उत्तराखंडवासियों को क्या कहना चाहेंगे इस बार होली के लिए, क्या कहना चाहेंगे? होली तो एक जो है एक प्यार उल्लास का एक त्यौहार, किसी के साथ अगर कोई मन मुटाव है तो उसको भी दूर करने का ये बहुत अच्छा मौका होता है। होली के बहाने आप गले मिल जाओ, सारे जो है पिछले साल जो करके नया आप उनको। बाकी ये रंगों का त्यौहार है हमारे यहाँ जो है, उसमें होली के लिए क्या है कि रंगों का त्यौहार है, तो रंग है तो कुछ है। रंग है तो सब कुछ है, रंग नहीं तो बेढंग दुनिया है कि नहीं? रंगों से हमारी बहार होती है, रंगों से हम उत्तराखंड है, एक अच्छा रंग होता है। आज अच्छा लगा कि किस नाम से क्या कर रहे हैं, मतलब क्या नाम है जो गढ़वाल इतिहासिक सभा, जो ये पूरा जो ये गढ़वाल भवन है ये उनके नाम पे। अच्छा। जिसको 100 साल हो गए हैं। अच्छा। तो ये हर बार हर कोई ना कोई जो है प्रोग्राम करते थे, हर प्रोग्राम में इन्होंने जैसे अभी 2023 में जब 100 साल हो गए तो इन्होंने शुरुआत जो है एक हमारे उत्तराखंड से आई थी लेडीज जो है, उन्होंने एक रामलीला शुरू की थी जनवरी में। अच्छा। केवल गढ़वाली जो है या उत्तराखंड जो आज पूरा उत्तराखंड से, तो ये एक नया मतलब चीज़ देते हैं हर चीज़। और यहाँ पे यही नहीं, इनका नहीं है, आप हमारा है, आप कोई भी प्रोग्राम हो तो भी यहाँ पे हमारा होता है पूरा उत्तराखंड का। तो ये तो एक हमारा एक दिल्ली और NCR का एक 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 सेंटर है, जहाँ पे कि मतलब देखो हमारे सुजला दीदी भी आई हुई है, तो ये हमारे कुलदीप जी हैं हमारे, तो ये हमारे यहाँ पे हर आदमी हर जो है फिल्मों से हो या संगीत से हो या कला प्रेम वो सब यहाँ पे आते थे। तो ये तो और आप तो हर जगह आते रहते हैं। उत्तराखंड हमारे हर लोगों को जोड़ के रखता है, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे वो कोई भी बताओ। आज हमारे उत्तराखंड का सबसे बढ़िया चीज़ है जो गढ़वाल भवन है, जहाँ हमारे सब प्रोग्राम होते रहते हैं और हम भारी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं किस प्रकार से मौका में। अभी और भी लोगों से बातें करेंगे, यहाँ पर जितने भी लोग हैं और कलाकार निर्देशक जितने भी गायक संगीत अंदर चल रहा है गाना, और चलते वहाँ जाकर अपडेट करेंगे आपको और किस प्रकार से क्या क्या होने वाली एक्टिविटीज सारी हम अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच, जब तक और अभी लोगों से जुड़े रहें, फिर बात करते हैं और भी लोगों से। ठीक है भाई, मेरे आगे थे कोई जरूरत ताकि उसको परमिट भी करें और सही जगह वो पहुँच। सर आपने क्या चीज़ लिया ये बताएंगे जरा साहब मुझे। मैंने भाई जी गैस लिया, मंडवा लिया, अच्छा बेन लिया, टोकला लिया है और मिक्स दाल लिया है और आपने जखिया। अच्छा जखिया भी ले लिया आपने। अच्छा जखिया किस चीज़ में डालते हैं आप ज़्यादातर बताइए। अरे भुजी में सबसे अच्छा तड़का ये। अच्छा चलो बड़ी आपका खुद भी खाना हो या फिर झगड़ा तो खिलाड़वा एक बार खा ले तो हमेशा याद कर लगाते मेरे जखे के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अभी किसकी दुकान से आप ले रहे हैं, कौन है भैया, किस नाम से भैया बताइए। नमस्कार, पहाड़ी प्रेस, पहाड़ी प्रेस पे है और हमारी दो साइड है, पहाड़ी प्रेस डॉट उत्तराखंड और डॉट UK मार्केट भी एक साइड और एक उत्तराखंड डॉट कॉम। तो ये कहाँ पे आपका कहाँ? हमारा ये जो है मयूर मार्केट गाजीपुर। अच्छा जी गाजीपुर के अंदर है। तो ये भैया से हमें मिलते हैं, इन्होंने काफ़ी यहाँ पर वैरायटी रखी है जो हमारे उत्तराखंड की चीज़ें से जोड़ के रखता है, जो जैसे चाय से चखिया से लेकर गोद से लेकर मिक्स दाल भट से क्या क्या चीज़ें बताइए। मिक्स दाल में आपने क्या क्या डाली है बताइए। देखो भट है, राजमा है, गहत है और दो दाल है, राजमा है, हर्षित राजमा है, जोशी मठ राजमा है, बारह प्रकार की राजमा है। अच्छा क्या बात है, इन्होंने ऐसा मतलब सारी हेल्थी चीज़ें डाल रखी है इसमें, कूट कूटे डाल के सारी एक ही पैकेट में आपको कूट कूट के सारी चीज़ मिल जाएगी, सारी आहार सब में। हाँ सब चीज़ Oh,
Thank you.